उपमंडल पद्दर के दुर्गम क्षेत्र चौहार घाटी के ग्राम पंचायत दमचाइन के चेलिंग गांव में चार कमरों का दो मंजिला मकान आग लगने से जलकर राख हो गया है। जानकारी देते हुए राजस्व अधिकारी दमचाइन के नागेश्वर कुमार ने बताया कि इसमें गौशाला भी जलकर राख हो गई है और उसमें बंदे एक जर्सी दूध देने वाली गाय व उसका बछड़ा दो बैल पांच भेड़े भी जलकर राख हो गई। उन्होंने बताया कि आगजनी घटना से मुरारी लाल सुपुत्र सिंधुराम गांव चेलिंग का लगभग 6 लाख रुपए से अधिक नुकसान हो चुका है। क्षेत्र में जिस स्थान पर यह घटना हुई है वहां पर ऊंचाई अधिक होने के कारण तेज हवा से आग और अधिक तेजी से बढ़ उठी जिससे आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय गांव की जापटे देवी पत्नी इंद्र सिंह ने बताया कि जब मैं सुबह 5 बजे कमरे से बाहर आई तो देखा गया कि मुरारी लाल के मकान में आग लगी हुई है। उसने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। गांव के सभी लोग आग को काबू करने प्रयास करने में जुट गए। वहीं दमचाइन की गांव की बनाई गई आपदा प्रबंधन की पूरी युवाओं की टीम प्रधान रोशनलाल की अध्यक्षता में आगजनी घटना स्थान पर पहुंचकर आग को काबू करने के प्रयास शुरू कर दिए। आपको बता दें कि आग इतनी भयानक थी कि इसकी चपेट में 7 लगते मकानों को भी खतरा हो गया था, लेकिन स्थानीय लोगों और आपदा टीम की सूझबूझ से अन्य मकानों को राख होने से बचा लिया। उधर बदर SDM शिवमोहन सिंह सैनी को घटना की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम को आग से हुए नुकसान के आकलन की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश जारी किए हैं ताकि पीड़ित को उचित मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने तुरंत सब तहसील टिक्कन में अधिकारियों को पीड़ित परिवार को राहत राशि देने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। स्थानीय लोगों व स्थानीय आपदा प्रबंधन की टीम को आगजनी घटना में सहयोग देने के लिए उनका धन्यवाद किया।